जिन्होंने भी ट्यून किया उनको बताते चलो, हमें हुमा असद ने ज्वाइन किया है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और जो कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्शन होती है उसमें काफी काम किए हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो हुमा से बात हो रही थी। हुमा मुझे बताएं, जो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि बहुत सारे इश्यूज लोगों में आते हैं कि मतलब आप देखते हो कि लोगों को रोक दिया जाता है आगे बढ़ने से, ख्वातीन को खास तौर पे घर से। आपने जैसा अभी कहा प्रोग्राम में पहले कि जी घर वालों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इससे आपके अंदर भी वो चीज़ आई होगी डेफिनेटली कि आप कहती हो कि जब कोई लड़की आपसे काम सीखने आती है आप उनको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें, आप उनको भी प्रोजेक्शन दें। तो कितना काम किया अभी तक फील्ड में और कितने लोगों को अभी तक प्रोजेक्शन दी है? देखिए लाहौर में तो मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ये ठीक है, हर दूसरी ब्यूटिशियन मेरी स्टूडेंट ही है माशाल्लाह। तो मुझे हमेशा मैंने यही समझ के कि ये एक इल्म है और मैं इल्म अगर दे दूंगी तो मैं अपने से मैं बोझ उतार दूंगी और मुझे अल्लाह और दे दे। बेशक, हमेशा एडवांस से एडवांस आपको मिलता रहता है। और एक और चीज़ है, काफ़ी टेक्निकल रहता है मेकअप की फील्ड, तो इसमें यह कि हर साल क्योंकि सीज़न चेंज होता है, फैशन चेंज होता है, आपका मेकअप का स्टाइल चेंज होता है, आपका थोड़ा सा ट्रेंड्स आ जाते हैं। जैसे आपने देखा वो आईलाइनर कभी 60s का चल रहा है, कभी 70s का चल रहा है, तो वो फिर मेरा नहीं ख्याल कि मेरा इल्म कभी रुका, तो मेरा मैं अपनी अमानत दे देती हूँ फिर मैं आगे चल पड़ती हूँ। अच्छा मुझे एक और चीज़ बताएं, ट्रेंड के साथ चलना इज़ यू नो गुड फॉर पीपल और टू गो विद अकॉर्डिंग टू योर फीचर्स, कि आपके जो फीचर्स हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट यूज़ करना है, लाइनर लगाना है। ऑब्वियसली हम सब की जो आई शेप्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो अब जैसा आप मेरी देखेंगे तो मेरी भी डिफरेंट सी शेप है, अगर मैं लाइनर लगा लूँ तो मेरी आंखें बहुत छोटी लगना शुरू हो जाती हैं। देखिए जैसे आपके फेस है ना, इसी तरह अमूमन आपने देखा होगा कि हमारी एक अदाकार है रेशम जी, उनका हमेशा वो नीचे अंडर आई मेकअप करती है। अच्छा, मतलब ऊपर लाइनर नहीं होता पर अंडर आई मेकअप होता है, नीचे एक शेड भी होता है, दो शेड होते हैं बल्कि नीचे उनकी आई, वाइट पेंसिल भी होती है जी बिल्कुल। देखिए ये सेंटीमीटर के हिसाब से चेंज होती है आई ना नीचे, ठीक है। तो वो एक है आपका इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर और आपकी आई लेट और फिर उसके बाद आई लैशेज, इसमें आप दो तीन शेड यूज कर सकते हैं है। और बहुत मतलब बहुत इजीली यूज कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप यूज नहीं कर सकते, और आप उसमें भी आप बड़ी अच्छी डिटेल में लाइंस बड़ी अच्छी बना सकते हैं, तो उसमें बहुत अच्छा एक ये भी रहता है। ये नहीं कह सकते कभी कि अगर आंख के ऊपर स्पेस नहीं है तो आप नीचे नहीं कर सकते, अमूमन वही आंखों के नीचे स्पेस होती है जिनके ऊपर नहीं होती, ठीक है। मेरी तो बहुत ही स्पेस है, मेरे तो आई बैग्स कितने ज़्यादा हैं, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करती हूँ ज़्यादा चीज़ें इसमें अप्लाई करने की। अच्छा हुमा मुझे एक और बात बताएं, फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि मतलब ये मेरे सुनने में काफ़ी आ रहा है कि जो छोटी आंखें होती हैं वो स्मोगी मेकअप ना करें, और सेकेंड थिंग है कि वो लाइट कलर के जो आपके होते हैं आई शेड्स वो अप्लाई करें, और सिंगल जो शेड है आपका आई शेड का वो लगाएं, डबलिंग ना करें, ट्रिपलिंग ना करें, तो ये बात किसी हद तक ठीक है और किस हद तक नहीं? ऐसा कुछ नहीं होता। देखें समन, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैंने हमेशा से ये कोशिश की है, हमेशा से मैंने, कि मुझे छोटी ही आंख मिले क्योंकि उसमें मज़ा अच्छा आता है उसको बढ़ाने का, उस पर काम करने का, अच्छा उसकी ज़्यादा डेफिनेशन दी जा सकती है, जा सक उसी में जा सकती। अरे वाह, अगर आप बड़ी आइज ले लेती हैं तो वो वैसे ही यूज हो जाती है और वो फिर ऐसा लगता है कोई पोस्टर है या कुछ ऐसे, मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूं, तो वो फिर एक आपको उसमें रोकना पड़ता है, अपना कंट्रोल करना पड़ता है। अच्छा, ये भी आज आपको एक क्या बात है, बड़ी समथिंग वेरी न्यू मेरा हाल है कि जिन लोगों तो अमूमन हम 2.5 सेंटीमीटर अंदर बढ़ते हैं आई के, और बाहर आउटर भी वर्क कर लेते हैं, बाहर तो हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं, 6 सेंटीमीटर तक जा सकते हैं, ठीक है। वो तो चाहे बड़ी आंखें हो चाहे छोटी हो, शेप में आना तो हर आंख जो है वो बड़ा पसंद कर सकते हैं छोटी आंख। क्या बात है, क्योंकि सारी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है, बड़ी कैसे लगे और लंबी कैसे लगे, और फिर कलर बड़े अच्छे आप शार्प यूज कर सकते हैं। अच्छा। आप इसी तरह आप ये सब कुछ बड़ी आई में नहीं कर सकते। अच्छा। वो बहुत यूज लगने मतलब लगती आप है। कह रहे हो कि छोटी आई जो होती है उसमें आप शार्प कलर्स यूज कर सकते हो, उसी पे तो कर सकते हैं, ऑप्शन है। और वाकई मैंने नोट किया जो बड़े आपके कलरी से पैलेट्स होते हैं ना, तो पॉपी कलर्स खास तौर पर वो बड़ी बड़ी आईज को पकड़ के किया होता है, बड़े फंकी कलर पॉपी कलर्स बड़े हाईलाइट हो रहे होते हैं ना, पार्टी शेड्स, हाँ पार्टी शेड्स। तो ये जो कलर्स आप एकदम देखते हो ना तो आपको एकदम आंखों को लगते भी हैं जाके बड़े जोर के, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आर्टिस्ट के हाथ में जब कोई चीज़ आ जाए तो ये उसका कमाल होता है कि वो उस चीज़ को कितना जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करें। अच्छा हुमा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आजकल फेस करने पड़ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे डिटेल्ड मैसेजेस हैं। मेरा पहला मैसेज है, उसमें उन्होंने पूछा है कि जो आपकी चेंजिंग सीज़न होता है, चेंजिंग सीज़न में आपके बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं आपकी स्किन को, आपके बालों को, तो होम रेमेडीज़ बताएं जिससे वो इस चीज़ से जो है ना चेंजिंग वेदर के इन साइड इफ़ेक्ट से थोड़ा बच सकें।
बिल्कुल, आप कॉम्बिनेशन स्किन की बात करिए ना कि डिफरेंट पैच हमारा जो है वो एक दूसरा मतलब एक आई टू नोज में ही एक डिफरेंट नहीं, नहीं, अभी मैं उस चीज की नहीं बात करी, वो भी है, आप तो ये बात कर रहे हो ना जो टी आपका बनता है फेस पे जो ऑयली होता है ज्यादा, वो दैट इज अनदर क्वेश्चन, ये एक अदर क्वेश्चन है कि जिसमें मैं पूछ रही हूँ कि जिसका वेदर चेंज होता है तो हमारी स्किन को बहुत इफेक्ट कर रहा होता है, कुछ लोगों की स्किन ज्यादा ऑयली हो जाती है, कुछ की बहुत ड्राई हो जाती है, होम रेमेडीज बताएं जो इस तरह की स्किन टाइप्स के लिए हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, होम रेमेडी में मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि अपनी स्किन को थोड़ा ड्राई ज़रूर रखें, आप ड्राई आप कुछ भी घर में कुछ भी आपको स्पेशली जो लेडीज़ किचन में काम करती हैं तो बहुत चीज़ें हाथ के बिल्कुल करीब नियर बिल्कुल हैंड नियर है। आपको मिल सकती हैं जैसे बेसन हो गया है और आपका अच्छा बेसन जो आपकी स्किन को ड्राई करता है, ठीक है, आप इसमें इसको ज़रूर आप इसका एक मास्क बना के लगा सकते हैं। मास्क कैसे बनाएंगे? मास्क आप इसमें एग भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एग वाइट या एग योक दोनों? जी एग वाइट में, सिर्फ एग वाइट होगी, एग योक नहीं होगी, और ये इसलिए कि अगर आपकी हनी पेस्ट भी, अच्छा ये तो बड़े मजे की बात है, जिन्हों की ऑयली स्किन है तो वो ये मास्क लगाएं तो ज्यादा अच्छा है। जी बिल्कुल, वो अपने अंदर जरा सक कर लेते ना सब ये तो ऑयल, तो उसमें बड़ा अच्छा लगता है, अगर आपकी टी जोन सिर्फ है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फिर पूरे फेस में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है मास्क को। बिल्कुल, मतलब कहने की बात ये है कि मार्केट में जो मास्क आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों से बने होते हैं, आप उसमें केमिकल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, लेमन थोड़ा ऑयल ग्रीस कम करता है। वेरी गुड, ये तो बहुत पेनिट्रेट होके आपके मसाले के अंदर और वो आपको वहां पे जाके अपनी वर्किंग करता है, और समटाइम हम वॉश भी कर लेते हैं देन जब भी वो वहां पे स्टे करता है, ठीक है, और फिर वहां पे वो नेक्स्ट आपके जो वॉश के लिए वो वहां पे इतनी देर रह के स्टोर होकर उसमें और वो आपका वर्किंग करता रहता है उसके, ठीक है। अच्छा हुमा, इसमें मुझे एक और चीज़ बताइए, कुछ लोगों की जो फेस है ना भाई डैब होती है उसमें वो कहते हैं ना बन जाते हैं स्पॉट्स बन जाते हैं जो भाई डम्स होते हैं अंदर की तरफ, तो उसके साथ किस तरीके से डील किया जाए? आप ये कह रही हैं कि जैसे मसाम खुले रह जाते हैं? एग्जैक्टली जी बिल्कुल, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, हम लोगों को अक्सर है, आपको भी हो सकती है, बिल्कुल कई दफ़ा इससे खास हिस्से में भी हो सकती है, फुल फेस की कंप्लेन बिल्कुल ऐसे ही, तो हमें यही है कि हमें इसमें हम सिर्फ उस एरिए पे बहुत दफ़ा हम कर सकते हैं कुछ, क्योंकि इसके नीचे लेयर में स्किन की लेयर में कुछ ऐसे ज़रूर होगा ऑयल की कोई ऐसी लेयर होगी या कुछ ऐसा टिश्यू होगा जिसमें हमें ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है, आपके ना जो है ना वो मसाम जो है वो ओपन रह जाते हैं इसमें, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम आए दिन लगा सकते हैं, स्पेशली मैं जेंट्स को भी कहूँगी कि अपना थोड़ा ख्याल रखें, बहुत ज़रूरी है क्योंकि खवातीन के लिए ज़रूरी नहीं कि उसे बंदे के लिए तैयार होना है, मेरा ख्याल है कि मियाँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी के लिए थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बने, बाहर तो बड़े पेंट कोट पहन के चला जाता है लेकिन घर में मेरा ख्याल है बेचारी खवातीन रह जाती है उसको बनियान में देखने के लिए, वेरी वेरी पुअर, बनियान काफ़ी पैथेटिक होता है, पैथेटिक हो जाता है, लेकिन मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि सारी कैजुअलिटी जो आपकी घर आके निकलती है यार, बेचारी बीवी बेचारी कहाँ जा रही है, वो आप ऐसे देखने के लिए आई है। अच्छा हुमा, आजकल आपने देखा मार्केट में बड़ी डिफरेंट किस्म की वैक्सेस आ गई हैं, बीड्स वैक्सेस हैं, फिर आपके वो जो आपकी स्ट्रिप्स आ गई हैं वैक्सेस की, और उसके अलावा फिर आपने वो देखा है कि जी ये कोल्ड है जार, ये हॉट है, बड़े अलम बलम किस्म की चीज़ें आ गई हैं, फिर मज़े की बात है कि इसमें आगे फ्लेवर्स आ गए, अब आपकी पूरी बॉडी जो होती है इसमें, पहले मुझे याद है कि लोग कहा करते थे कि जी आप नॉर्मली लड़कियां लड़के क्या करते थे क्रीम लगा के, जो खासतौर पर हमारे मॉडल्स हैं उनको बड़ा होता है कि उन्होंने अपने जिस्म को बड़ा क्लीन रखना है, तो आप अपने बाजुओं को अपनी टांगों को जो है जब वैक्सीन करते हैं तो उसमें होता ये कि आप शुरू शुरू में होता था कहते थे कि वैक्स कर लें ज़्यादा बेहतर है, कोई कहता था नहीं क्रीम लगा लें हेयर रिमूविंग क्रीम जो है वो दैट इज़ बेटर देन दैट, लेकिन हेयर रिमूविंग क्रीम से ये होता है कि वो निशान भी छोड़ जाती है सही तरीके से, आपके बाल भी जो है वो नहीं होते साफ, और उसके साथ ये होता है कि दूसरे तीसरे दिन फिर आप देखते हैं कि बालों की आमद आमद है। अच्छा यहाँ पर वैक्स इज़ बेटर ऑप्शन देन क्रीम या फिर क्रीम इज़ बेटर ऑप्शन देन वैक्स? जी ज़ाहिर है वैक्स हमेशा हर दौर में ही बहुत अच्छी रही है, जब बहुत बहुत पहले दौर था जब हम दरख्तों में से वैक्स निकलती थी, ठीक है, आपने देखा है सुना ही होगा, तो जब यूज़ होती थी तो अब ये है कि अब बेटर फॉर्म में आ गई हैं, कि उसमें से रॉ निकल गया, उसमें बड़ी उसमें ये कह लें कि रिफाइन होके हमारे सामने आई और बहुत डिफरेंट क्वालिटीज़ की आ गई है, जैसे आपने देखा समटाइम पेपर से भी आप वैक्स कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही आप कोई भी ले लें कोई पीस ले लें उससे कर सकते हैं, जीन्स का पीस हो सकता है, फिर एक और भी मैंने देखा जो पॉलर्स में
बेकन जो मिलता है अलग से वो भी हो सकता है, उसमें ये फिंगर से भी आप कर सकते हैं, मतलब बहुत वैरायटी आ गई है इसमें। ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये कि आप जो है आप जो फ्लेवर की बात कर रही है ना, देखें वही नेचर आ गई ना इसमें भी, कि लेमन की नेचर है ऑयल को ख़त्म करना और इसमें स्टेन्स ख़त्म करना अगर बॉडी पे कहीं है तो वो इस तरह उन्होंने थोड़ा सा एक उसके अंदर एक इफेक्ट रखा होता है कि जी हम ये लेमन बेस्ड है या कुछ, उसमें कलर भी होता है फिर वो येलो कलर की बनी होती है। अगर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो उसमें वो स्ट्रॉबेरी का ही कलर रख के तो उसको एक मतलब पॉइंट किया गया कि ये स्ट्रॉबेरी का ही है, और उसमें एक फ्रेग्रेंस भी होती है इन्हीं फ्रूट्स की उसकी, तो एलोवेरा में है जैसे वो लाइट ग्रीन या ग्रीन कलर की आपको। तो क्या फ्रेग्रेंस के लिए बंदा जो है वो वैक्स की सिलेक्शन करे? इसके अंदर नेचर भी तो होती है ना। जैसे वैक्स बनते हुए आप लाइट सा वाटर यूज, आप मेकिंग देखें ना प्रोडक्ट की, देखें मैं वही बात आ गई कॉस्मेटिक में, मतलब आप इंग्रेडिएंट्स में जाकर देखो उसमें क्या क्या चीजें हैं। अगर आपने वाटर डालना है तो उसमें आप जेल भी डाल सकते हैं एलोवेरा, और वो क्योंकि अपना एक इफेक्ट छोड़ जाएगी ना, जो कुछ देर तक के आपकी स्टेन्स आपकी बॉडी पे से कोई दाग है कुछ है कुछ है वो आपको ऐसे हो जाएगा कि वो कुछ दिनों में वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है। और दूसरा ये कि आप फॉरन वैक्स के बाद तो आप वॉश भी नहीं, मतलब गर्म पानी से धोते भी नहीं है, थोड़ा सा जरा उसको क्लीन कर थोड़ा नॉर्मल होने देते हैं स्किन को। अच्छा, ये थोड़ा सा तरीका भी बता दें हमारी खवातीन का जो घर में कर रही होती है उनके लिए जो है वो कौन सी, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो फिर आप बीड्स वैक्स पे जाएंगे या आप कोल्ड वैक्स पे जाएंगे या फिर आप स्ट्रिप्स पे जाएंगे? डिपेंड करता है कि आपकी, देखिए आप फेस पे अगर आप कर रहे हैं, चिन कर रहे हैं या अपर लिप कर रहे हैं या थोड़ा सा आप ज़रा ये आपके फेस का साइड का है पोर्शन, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपको आप बालों की सबसे बड़ी बात है आपकी बाल किस कंडीशन में है, ठीक है, थोड़े हार्ड हैं, थोड़ा लाइट हैं, थोड़ा क्या है बालों का उस वक्त क्या चल रहा है, मतलब क्या है आपके बालों में, मतलब बालों की मतलब ग्रोथ पे भी है ना, ठीक है, मतलब आप बहुत लाइट बहुत हैवी हेयर्स कभी भी नहीं उतारेगी लाइट वैक्स, ठीक है, मतलब आपको उसके लिए वैक्स भी फिर ज्यादा फॉर्म में चाहिए जी, उसके लिए फिर आपने स्ट्रिप्स की तरफ नहीं जाना, आप दाने वाली जो हाँ exactly, पॉप्स में आ जाएंगे, पॉप्स को फिर आप हीट अप करके आप उसको मेल्ट करोगे, मेल्ट करके आप उसको अप्लाई करो, ये देखो कि बहुत ज्यादा हीट अप ना हो जाए जी, बिल्कुल है ना, कि आप उसको लगा रहे हो बिल्कुल हल्की आंच पे आपने उसको जो है वो रख देना। समटाइम बहुत लाइट हेयर्स होते हैं जो कि फिंगर से भी आप इजीली आप रिमूव कर सकते, फॉर एग्जांपल अगर रैशेस हो जाए एकदम से करने के बाद आपकी स्किन सेंसिटिव है, वहां पे इतनी जरूरत नहीं थी इतनी हार्ड वैक्स यूज करने की, ठीक है, मतलब आपको पहले से थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आपकी स्किन सेंसिटिव है कि नहीं जी, है जी बिल्कुल, ये वही चीज है कि जी आपने मतलब ये फैब्रिक इसको कैरी कर सकेगा मटेरियल को कि नहीं, ठीक हो गया। लेडीज की बात कर रहे हैं, जब कोई फैब्रिक डिजाइन करते हैं कोई अपने कपड़े डिजाइन करते हैं तो हम कहते हैं ये हैवी हो जाएगा इसके ऊपर ये लगाएंगे ये बहुत हैवी लटकने लगेगा, तो वो ये बात आ गई कि हमें सेम वही थोड़ी ये थोड़ी अपनी भी एक सेंस होती है ना, अपनी भी नॉलेज होती है, अपनी भी सेंस होती है, थोड़ा सा मुझे लगता है आप चीजों के बारे में नॉलेज खुद भी ले सकते हो। सेल्फ ग्रूमिंग मैं तो कहती हूँ हमेशा कि हमारे मुल्क में लेडीज के लिए बहुत जरूरी है कि वो एक जरूरी नहीं कि आप ब्यूटिशियन ही बन जाए बिल्कुल या आप प्रोडक्ट ही डिजाइन कर रहे हैं, ये नहीं है, आप वैसे जरूर जाएं ऐसी जगहों पे जो आपको सेल्फ ग्रूमिंग दे रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं आप हम जो कर रहे हैं वो हम किस तरह कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे और कैसा है। कुछ खवातीन पे तो हुमा इतनी जिम्मेदारी होती है, वो तो ये बिजनेस पे जा भी नहीं सकती, लेकिन वो अपने बारे में नॉलेज इतनी अच्छी कर ले, आजकल कंपटीशन का दौर है, अम्मा स्कूल से बच्चे को लेने के लिए जाती है ना, अम्मा प्रेजेंटेबल नहीं है, अब्बा प्रेजेंटेबल नहीं है, तो बच्चे इतने कॉन्शियस होते हैं कि वो आकर एनॉय फील करते हैं, वो आपको बताते हैं वो कि जी आप इस हुलिये में क्यों आ गए थे, बच्चों ने इसको अना का मसला बना लिया, फलां के फादर और मदर बड़े वेलड्रेस हैं, आप इतने वेल ग्रूम्ड क्यों नहीं है, तो माँ बाप को जो है ना वो एक इमेज प्रेजेंट करने की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए जब तक सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर आप नहीं तवज्जो देंगे तो मेरा ख्याल है कि आप उस चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते जो इमेज आप प्रोजेक्ट करना चाहते हैं।